हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था स्टार्ट। 5 में हमने कहा था कि 10 क्वेश्चंस है, जिसको हमने दो पार्ट में बांट दिया लंबा होने के कारण, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिया है। आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है पार्ट 2, आज के रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो छठा नंबर से चालू करेंगे। फिर से मैं क्वेश्चन के बारे में बता दूं क्या लिखा हुआ है। प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज, आगे भी था क्वेश्चन में लेकिन हमने नहीं लिखा क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस समझ लीजिए हमको क्या करना है, प्रूव करना, मतलब LHS इक्वल टू RHS। फिर से बता दूं इसके बारे में कि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। इसी 10 क्वेश्चंस में ज्यादातर चांसेस रहते हैं, 95% चांसेस जो है इसी 10 क्वेश्चंस में रहेगा आपका। जो पार्ट वन में हमने 5 क्वेश्चंस करवाया 5 नंबर का, और 5 नंबर का अभी जो 5 क्वेश्चंस करेंगे, ये 10 क्वेश्चंस के ज्यादा चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी 10 में से कोई एक आएगा 3 नंबर। चलिए आज 5 करते हैं बारी बारी इसी वीडियो में। देखिए छठा नंबर क्या कह रहा है। 5 तक हमने करा दिया था पिछले वीडियो में, आज 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, रूट अंडर 1 + sin A / 1 - sin A = sec A + tan। हमको इतना बराबर इतना प्रूव करना है। पहले चल से चलते हैं, देखिए सोल्यूशन में क्या करेंगे। LHS से चलते हैं, देखिए LHS में क्या दिया हुआ है। हम लोग अब तक क्या करते आ रहे हैं, जो भी दिया रहता है उसको पहले साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए, LHS में ये ऑलरेडी साइन के टर्म है, अब इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर गौर से इसको क्या कर दीजिए, आप रेशनलाइज कर दीजिए, जिसको हिंदी में प्रमेयकरण बोलते हैं, ठीक है। रेशनलाइज क्या होता है, जो भी नीचे में है उसको आप एक बार गुना भागा कर दीजिए खाली साइन को चेंज कर, उसको बोलते हैं रेशनलाइज। तो देखिए कर रहे हैं हम, देखिए ये रूट अंडर 1 + sin A पहले से था, 1 - sin A पहले से था, ठीक है। रेशनलाइज कर रहे हैं हम लोग अंदर में। तो देखिए रेशनलाइज में क्या करते हैं, नीचे वाला को ऊपर नीचे कर देते हैं, बस साइन को चेंज करते हुए। सुन में आया, इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइज। तो बगल में लिख देंगे क्या है ये, रेशनलाइज, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी आप नीचे में है उसको ऊपर नीचे गुना भागा कर दीजिए, बस साइन को चेंज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस था, हम दोनों जगह क्या कर दिए, प्लस कर दिए, इसी को बोलते हैं रेशनलाइज, हिंदी में प्रमेयकरण बोलते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा इसीलिए हमने किया ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाए, आपको भी बनाने में आसान लगे। देखिए आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, ऊपर वाला को ऊपर से गुना करते हैं, नीचे वाले को नीचे से गुना करते हैं। देखिए करते हैं गुना, देखिए 1 को उठाते हैं एक बार, और 1 और साइन ए दोनों से गुना करते हैं बारी बारी। देखिए जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस, जब 1 को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन कर दिए। उसके बाद अब साइन ए को उठाएंगे और दोनों से गुना करेंगे बारी बारी। अब देखिए साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो साइन ए, फिर प्लस प्लस प्लस, साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आया, ठीक है। अब नीचे में देखिए, चाहे काम यहां पर आप ये भी कर सकते हैं कि बिना गुना किए भी काम हो सकता है आपका, ठीक है, बिना गुना किए। तो देखिए बिना गुना किए भी आप काम कर सकते हैं, आपके लिए ये आसान लगेगा। देखिए देखिए ये 1 + sin A 1 + sin A दो बार है ना, तो 1 + sin A का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। देखिए उसको मिटा के हमने ऐसा इसलिए लिखा ताकि स्क्वायर से ये रूट आसानी से कट जाए और आपका सोल्यूशन आसान हो जाए, ठीक है। कोई भी चीज रूट के जितना बाहर रहता है उतना आसान होता है सोल्यूशन का, इसलिए हमने उसको मिटा के क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म लगा दिया, ठीक है। अब नीचे देखिए गौर से आप, 1 - sin A 1 + sin A ये एक फॉर्मूला में सूट कर रहा है। कौन सा फॉर्मूला, a - b × a + b, क्या होता है a² - b² देखिए हम बगल में लिख दे रहे हैं, सिंस a - b × a + b फॉर्मूला होता है a² - b², ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में उसी टाइप का है, a - b a + b, जहां पर a का वैल्यू कितना है 1 है और b का वैल्यू साइन है, तो उसके अनुसार बैठा दीजिए। क्या है a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब साइन का स्क्वायर, बैठा दिए। देखिए उसके बाद हम इधर बना दे रहे हैं छोटा सा, यहां पर गौर कीजिए,
ऊपर में स्क्वायर है तो रहने दीजिए फिलहाल, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां देखिए वन का स्क्वायर वन और माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए नीचे वाला स्टेप, ऊपर में जो है उसको रहने दीजिए आप, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए हमने ऐसा क्यों लिखा, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन होता है, इस फॉर्मूले के मदद से हमने वन माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहां पर गौर से आप, अगर आप साइन स्क्वायर ए को बराबर के उधर ले जाइएगा तो वन पहले से था, ये साइन स्क्वायर माइनस में जाएगा तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और उसका वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ए आएगा। इस फॉर्मूले की मदद से हमने ये लिखा, बेसिक में फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। अब देखिए गौर से, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, तो टोटली दोनों को मिला के देखिए, इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं अंदर में कैसा, देखिए वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। देखिए दोनों का स्क्वायर था, हम दोनों को एक साथ स्क्वायर कर दिए किस फॉर्मूला की मदद से, देखिए एक ऐसा टाइप का फॉर्मूला था कि ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बाय बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब स्क्वायर तो दोनों पे एक साथ लिख दिया, तो वही यहां पर किए। अब देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। यहां पर समझ आया कैसे किए, ये देखिए स्क्वायर है और ये रूट है, रूट मतलब पावर में वन बाय टू, तो टू इंटू वन बाय टू, टू टू कट जाएगा ना, बचेगा वन पावर में, तो इतना तक आया। इसके बाद देखिए वन प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, इसको ऐसा लिख सकते हैं वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। आप फिर से इस दोनों को एलसीएम लीजिए, देखिए वापस यही चीज मिलेगा आपको, तो जब हम एलसीएम लेके यहां कर सकते हैं ऐसा, तो वापस भी तो उसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वन बाय कॉस ए से के आ जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए टेन ए आ जाएगा, मेरा प्रूव हो जाएगा। देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं इसके बगल में, देखिए वन बाय कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाता है, sec a और sin a by cos a का वैल्यू कितना, tan a, ये मेरा किसके बराबर हो गया, RHS बराबर, तो ऐसे मेरा प्रूव हो गया। अब बगल में लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, हम बता दे रहे हैं क्या कीजिएगा, वन बाय कॉस ए बराबर sec a और sin a by cos a बराबर tan a, वही हमको प्रूव करना था, बेसिक में हमने फॉर्मूला दिया था वहां से भी देख सकते यही फॉर्मूला था, ठीक है। करते हैं सेकेंड नंबर, सॉरी सातवां नंबर, ये लो उतार लीजिए तब तक। देखिए दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना हमको टैन थीटा, टैन थीटा प्रूफ करना है, तो टैन थीटा के लिए तो हम जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब हुआ ये कि हमको एलएचएस से चलना है और साइन थीटा बाय कॉस थीटा लाना है, तो उससे साबित हो जाएगा टैन थीटा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में एलएचएस से चलते हैं, देखिए गौर से एलएचएस में साइन थीटा या साइन क्यूब थीटा, अगर हम दोनों से साइन थीटा को कॉमन निकाल ले तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं दोनों में। देखिए गौर से ऊपर में साइन थीटा से साइन थीटा कॉमन निकाल ले तो वन बचा माइनस, अब यहां देखिए टू बचा, साइन यहां तीन था, क्यूब मतलब साइन तीन गो है, हम एक निकाल लिए तो बचेगा कितना, दो बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर समझ में आया बात क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए नीचे से क्या करते हैं, कॉस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखिए टू बचा, कॉस तीन को था एक निकाल लिया तो दो को बचा, माइनस कॉस थीटा तो निकाल लिए पूरा तो कुछ नहीं तो वन बचा। देखिए गौर से आप, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमको मिल गया है, हमको लगभग आंसर क्या मिल चुका है जो हमको चाहिए, बस करना क्या, ये दोनों जो ब्रेकेट वाला को सेम लाना और काट के हटा देना, बस समझ में आया। देखिए क्या करें, कोई एक तरफ वाला को चेंज कर, चाहे ऊपर वाला को सॉल्व कीजिए चाहे नीचे वाला को, अपने कट जाएगा वो। देखिए कैसे करेंगे, यहां से देखिए साइन थीटा इंटू, यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय में जो है उसको ऐसे ही उतार दीजिए, बस किसी आप एक को चेंज कर दीजिएगा चाहे ऊपर वाला को चाहे नीचे वाला को, जैसे हमने यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, आप यहां पर भी चेंज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर को, किस फॉर्मूला के अनुसार चेंज किया,
तो इस फॉर्मूला के अनुसार देखिए हम इधर नीचे लिख देते हैं, क्या था फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर जब उधर जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही लिख दिया हमने यहाँ साइन स्क्वायर की जगह। अब देखिए इसके बाद हम इधर सोल्यूशन करते हैं, यहां पर देखिएगा साइन थीटा तो ऐसे ही रहने दीजिए, अंदर में देखिए वन माइनस माइनस टू है, इसको वन से गुना करेंगे तो माइनस टू ही रहेगा। अब ये माइनस टू है इसको माइनस कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर बात समझ में आया कैसे किया हम, ये माइनस टू को एक बार वन से गुना किया और एक बार इससे गुना किया तो वैसा आ गया। डिवाइडेड बाय देखिए कॉस थीटा, इसको ऐसे उतार दीजिए टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए ऊपर में साइन थीटा, यहां पर देखिए वन में माइनस टू घटाएंगे तो माइनस वन और प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और नीचे में क्या है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। गौर से आप देखिए इस चीज को, ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट को दोनों सेम है, भले आपको उल्टा लग रहा होगा देखने में लेकिन है सेम। देखिए कैसे यहाँ टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ पर भी देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, वन देखिए माइनस में, यहाँ पर भी वन क्या है माइनस में, दोनों ब्रैकेट सेम है हम काट सकते हैं। कट गया, बचा क्या साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बचा क्या हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया आरएचएस, आरएचएस में हमको यही प्रूफ करने बोल रहा था, प्रूफ हो गया। बस बगल में आपको क्या करना है, लिख देना है कि सिंस साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। रीजन याद रखिएगा, एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है, जैसे बगल में हम जैसे जो भी लिखते जाते हैं ये सब आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो तीन में हो सकता है आपको अढ़ाई दे दे या दो मार्क्स दे दे तो मार्क्स कट जाएगा तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। तो साइड में रीजन जरूर लिखिएगा, भले थोड़ा सा जगह लगे तो लगे लेकिन रीजन नहीं लिखना भूलिएगा, ठीक है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन आठवां नंबर, तब तक उतारिए। देखिए दोस्तों आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूफ क्या करना है, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो यहां पर देखिए दोनों क्या है स्क्वायर स्क्वायर में है, तो एलएचएस से चलेंगे और सबसे पहले स्क्वायर में तोड़ देंगे उसको, ठीक है, उसके बाद साइन और कॉस में चेंज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा हमको आरएचएस को देखते हुए काम करते जाना है, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन हम क्या करते हैं एलएचएस को लेते हैं। देखिए इसको सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं। देखिए पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, इधर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या कभी कभी बच्चे ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और बाद में बी स्क्वायर लिखते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं, प्लस तो तीनों में ही है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए का वैल्यू मान लेते हैं साइन ए है और बी का वैल्यू कॉसेक ए है, उसके अनुसार तोड़ देते हैं उसको। पहला क्या है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, समझ में आया। देखिए टू ए बी तो टू ए बी लिख दिए प्लस ये वाला प्लस, देखिए अब ये भी देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है, इसको भी तोड़ देंगे, यहां पर ए को हम मान लेंगे कॉस ए और बी को मान लेंगे सेक ए, तोड़ेंगे देखिए ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू इंटू ए इंटू बी लिख दिए, ए के जगह कॉस ए था मेरा, बी के जगह सेक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए। देखिए अगला स्टेप क्या है, अब यहां पर देखिए पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आसान आसान वाले को साइड करते जाएंगे। गौर से देखिए आप, ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, अगर हम दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दें तो उसका वैल्यू वन आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। यहां पर देखिए लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला को लिख देते कॉस स्क्वायर,
दोनों को साथ में लिख दिए। और चीज देखिए आप यहाँ पर गौर कीजिए, हमको आरएचएस में क्या कॉसेक स्क्वायर चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, तो उसको हटा देते हैं। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर का जो टैन और कॉट में हो? बिल्कुल है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? देखिए हम बगल में लिख दे रहे हैं, हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर। तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर की जगह ये लिख दे तो हमारा काम भी बन जाएगा। क्यों काम बनेगा? क्योंकि हमको राइट साइड में कॉट का जरूरत है, तो कॉट काम भी आ जाएगा मेरा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर सेक है, सेक का भी कोई ऐसा फॉर्मूला है जो टैन या कॉट के रूप में है? बिल्कुल है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला देखिए, सेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस टैन स्क्वायर। तो अगर हम कॉसेक और सेक स्क्वायर की जगह पर हम ये दोनों बैठा दे तो शायद हमारा आरएचएस लगभग काम में आ जाएगा, तो यही काम करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर एक जगह लिख दिए, ये वाला बच्चा इसके जगह क्या लिखेंगे हम? देखिए इसके जगह लिखेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये किसके जगह लिखे हम? इसके जगह ये लिखे वन प्लस कॉट स्क्वायर प्लस में। यहाँ पर देखिए कॉस, यहाँ पर गौर कीजिए साइन ए का और कॉसेक ए का जरूरत है हमको क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं। आरएचएस में देख लीजिए हमको टैन और कॉट का जरूरत है, वो तो आ ही जाएगा इस दोनों से। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये वाला को टू इंटू साइन ए को रहने दीजिए, कॉसेक ए को लिख सकते हैं वन बाई साइन ए, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं ताकि मेरा साइन साइन कट जाए, टू बच जाए, क्योंकि हमको संख्या भी तो चाहिए, सेवन चाहिए, तो संख्या भी आना चाहिए कहीं ना कहीं, यहाँ पर से हमको संख्या मिल जाए। तो इसका ही फॉर्मूला हम बगल में नीचे में लिख देते हैं, यहाँ पर क्या होता है कॉसेक ए बराबर वन बाय साइन ए। अच्छा अब देखिए सेक ए का भी फॉर्मूला होता है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? वन बाय कॉस ए, ये भी जरूरत पड़ने वाला है इसीलिए हम लिख दिए पहले। अब इसके बाद देखिए इतना उतार दिए हम, टू इंटू साइन और कॉसेक ए की जगह वन बाय साइन ए। इसके बाद कौन सा है प्लस, तो प्लस कॉस स्क्वायर तो यहाँ उतार दिया गया, प्लस सेक स्क्वायर, देखिए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वन प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख दीजिए वन प्लस टेन स्क्वायर। बस समझ में आ रहा है कहां कहां कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बचा लास्ट में हमारा ये भी हो गया, ये सब हो गया, बचा खाली ये। तो देखिए प्लस टू इंटू कॉस ए को रहने दीजिए, यहां पर देखिए सेक को कम लिख सकते हैं वन बाय कॉस ए, इससे भी क्या होगा मेरा कॉस कॉस कट जाएगा, टू संख्या बचेगा, क्योंकि संख्या भी तो हमको सेवन चाहिए, इसके मदद से मिल सकता है हमको। अब देखिए इसके बाद का स्टेप इधर हम लिख दे रहे हैं, देखिए इसके बाद का स्टेप, इस दोनों का वैल्यू तो वन आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, यहाँ पर ए है उसे घबराना नहीं है, उसका मतलब वही होगा। ठीक है, तो इस दोनों की जगह हम वन लिख दिए, यहाँ पर देखिए इस वन को रहने दीजिए, इस कॉट स्क्वायर को भी रहने दीजिए, क्योंकि हमको तो आर एच एस में जरूरत है। प्लस यहाँ पर गौर देखिए साइन साइन कट जाएगा, बचेगा कितना, टू इंटू वन टू बचे, प्लस इस वन को रहने दीजिए, प्लस टेन स्क्वायर तो जरूरत है हमको रहने दीजिए, यहाँ पर देखिए ये कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, टू इंटू वन, तो प्लस में टू। अब गौर से आप सबको जोड़ के देखिए आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए वन टू 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 फोर फोर और ये फाइव और टू सेवन सेवन, टेन स्क्वायर भी है मेरे पास कॉट स्क्वायर भी, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आरएचएस। देखिए हमको आरएचएस में जो चाहिए था वो मिल गया हमको, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, सब स्क्वायर वाला को तोड़ दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, और तोड़ने के बाद आपको जो जो आरएचएस में जरूरत है उसके अनुसार काम करते जाइए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके जगह देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की जगह वन बैठाए थे, तो इसके लिए हम बगल नीचे फॉर्मूला लिख देते हैं, आप बगल में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, वन बाई टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, हिंट दे दिया आपको क्या, सिंप्लीफाई एल एच एस एंड आर एच एस सेपारेटली, मतलब आप एल एच एस को भी सॉल्व कीजिए और आर एच एस को भी सॉल्व कीजिए और लास्ट में दोनों को वैल्यू को मैच करवाइए, देखिए सेम आएगा तो प्रूफ। ठीक है, तो हमको वही सेम लाना, समझ में आया, तो बारी बारी हम दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले एल एच एस को सॉल्व करते हैं, एल एच एस को देखिए सॉल्व कर रहे हैं,
देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सारे को साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर देते हैं। यहां पर देखिए कॉसे की को लिख सकते हैं वन बाई साइन माइनस, ये तो साइन पहले से साइन में ही है। अब देखिए नेक्स्ट ब्रैकेट में से के को लिख सकते हैं वन बाई कॉस ए माइनस कॉस ए तो पहले से है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने, लिख देते हैं बगल में कि कॉसेक ए बराबर वन बाई साइन ए और सेक ए बराबर वन बाई कॉस ए, हमने ये दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब देखिए उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, यहां पर अंदर अंदर अपना अपना एलसीएम ले लेते, इस ब्रैकेट का अपना एलसीएम ले लेते, इसका अपना। देखिए यहां पर साइन के नीचे कुछ नहीं तो अपने से वन लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो वन लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए साइन और वन का एलसीएम लेंगे तो साइन ही आएगा। अब यहां से देखिए साइन साइन को डिवाइड किए तो वन और वन को ऊपर वाले से गुना किए तो वन माइनस, साइन और वन को डिवाइड किए तो साइन और साइन को साइन से गुना किए तो साइन स्क्वायर। समझ में आया। इसके बाद यहां देखिए कॉस एलसीएम आ गया कॉस ए और वन का। अब देखिए कॉस कॉस को डिवाइड किए तो वन और वन को ऊपर वाले से गुना किए तो वन माइनस, कॉस और वन को डिवाइड किए तो कॉस और कॉस को कॉस से गुना किए तो कॉस स्क्वायर। आप समझ में आया। यहाँ पर एलसीएम ले लिए, एलसीएम का क्या रूल है, जो भी आपका एलसीएम आएगा नीचे वाले से डिवाइड कर दीजिए और जो बचेगा उसको ऊपर वाले से गुना कर दीजिए, वही किया हमने यहाँ पर। अब देखिए दोनों को गुना करते हैं बारी बारी, यहाँ पर गौर से देखिएगा। अब देखिए ऊपर वाला के ऊपर से गुना करते हैं, नीचे वाले को नीचे से। देखिए वन को उठाएंगे दोनों से गुना करेंगे, वन को वन से किए तो वन, फिर वन को ये कॉस स्क्वायर से किए तो कितना आ गया कॉस स्क्वायर। अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर ए को उठाएंगे दोनों से गुना करेंगे, देखिए माइनस साइन स्क्वायर ए को वन से गुना किया तो माइनस साइन स्क्वायर ही आएगा। अब माइनस साइन स्क्वायर ए को माइनस कॉस स्क्वायर से गुना किए तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया और साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर दोनों गुना हो गया, ठीक है। समझ में आया। अब नीचे में क्या करेंगे, गुना करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पर गौर से देखिए वन माइनस अगर हम इस दोनों से कॉमन निकाल ले, देखिए दोनों से माइनस कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा। क्या किया हमने, दोनों से माइनस कॉमन निकाल लिया तो दोनों प्लस प्लस में हो गया, देखिए कॉस भी प्लस में हो गया साइन स्क्वायर भी प्लस में हो गया। ऐसा हमने इसीलिए किया ताकि इस दोनों का वैल्यू वन आ जाएगा, फॉर्मूला तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, ठीक है। तो आसान काम होगा थोड़ा सा। अब प्लस में जो है उसको उतार दीजिए साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, अब डिवाइडेड बाय क्या है मेरा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए वन माइनस इतना का वैल्यू वन हो जाएगा, अब प्लस में क्या है मेरा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। बगल में हम लिख देंगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये होता है फॉर्मूला इसके जगह। देखिए तो यहाँ प्लस में वन ये माइनस वन दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, और नीचे में क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस। अब देखिए ऊपर में दो को साइन है नीचे में एक को साइन है, एक एक साइन कट जाएगा, खाली पावर को काटिएगा, ठीक है। ऊपर में दो को कॉस है एक को नीचे में एक एक कट जाएगा, तो फाइनली मेरा ऊपर में क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये मेरा एलएचएस सॉल्व हुआ। अब आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे और इतना आना चाहिए मेरा, ठीक है। देखिए मिटा के सॉल्व करते हैं। देखिए आरएचएस में क्या कह रहा है, क्या है वन बाय टेन ए प्लस कॉट ए। देखिए हमारा एलएचएस हम लास्ट में कितना लाए थे साइन ए इंटू कॉस ए, इसको भी सॉल्व करेंगे और इतना ही आना चाहिए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा ये वाला आइडेंटिटी, ठीक है। देखिए करते हैं प्रूफ वन बाय, यहां देखिए इसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए जैसे हर क्वेश्चन को करते आ रहे हैं। देखिए टेन को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है इसीलिए फॉर्मूला भी उल्टा होगा। नीचे में हम रीजन लिख देंगे कि सिंस टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
ये नीचे में बगल में लिख देंगे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख दिया, आप बगल में लिखिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ नीचे में अपना अपने एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर गौर से देखिएगा, ऊपर में तो हमारा वन है, नीचे में एलसीएम लेते हैं। देखिए साइन और कॉस का एलसीएम क्या आएगा, वही साइन कॉस, साइन इंटू कॉस है। अब देखिए एलसीएम का रूल क्या है, नीचे वाला से डिवाइड करते हैं, बचता है जो उसको ऊपर वाले से गुना कर देते हैं, करते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड करते हैं। तो गौर से देखिए कॉस कॉस कट जाएगा हमारा, बचेगा क्या साइन है, और साइन है को ऊपर वाले से गुना करेंगे, ऊपर में पहले से साइन है और एक साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, साइन दो हो जाएगा प्लस। अब देखिए फिर इसको साइन से गुना डिवाइड करते हैं, तो साइन साइन कट जाएगा मेरा, बचेगा क्या कॉस है, और कॉस है ऊपर वाले से गुना करेंगे तो ऊपर में देखिए ऑलरेडी कॉस है, तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। देखिए यहां पर वन बाय, यहां पर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, और नीचे में क्या रह जाएगा, साइन ए इंटू कॉस। यहां पर समझ में आया, यहां किसके जगह वन लिखे हम, इसके जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। क्यों वन लिखे, क्योंकि हम फॉर्मूला एक जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। ठीक है, ये बेसिक वीडियो का सबसे पहला फॉर्मूला यही था हमारा। तो देखिए अब देखिए इसको अगर आप पलटिएगा तो ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हमें जो प्रूव करना था वो आ जाएगा। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया हमारा आर एच एस, तो ये एल एच एस के बराबर हो गया। तो एल एच एस आर एच एस, देखिए एल एच एस में हमने क्या लाया था, साइन ए इंटू कॉस ए, और आर एच एस में भी क्या लिया है, साइन ए इंटू कॉस, हमारा प्रूव हो गया। अब यहाँ पर बोलिएगा सर यहाँ पर आया कैसे, तो हमने एक फॉर्मूला दिया था आपको ए बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो मेन डिवाइड हमारा ये था। तो इस अगर मेन डिवाइड को हम गुना में चेंज करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये नीचे वाला पलट जाता है, मतलब डी ऊपर आ जाएगा सी नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर वही काम किए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे हो जाता है ए बाई बी, जब इस मेन डिवाइड को हम गुना लिखते हैं तो ये डी ऊपर आ जाता है और सी नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए मेन डिवाइड हमारा ये था और इधर वन था मेरा, तो वन लिखिएगा यहाँ गुना कीजिएगा मेन डिवाइड को, ये ला पलटेगा, ये साइन है और कॉस से ऊपर आ जाएगा और नीचे वन आ जाएगा, तो देखिए वन वन कट के ये वाला वैल्यू मिल जाएगा हमको साइन वाला। तो इस तरह हमने यहाँ पर प्रूव किया। तो करते हैं अगला क्वेश्चन दसवां नंबर। देखिए दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा दसवां नंबर, इसके बाद खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। क्या कह रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉट ए, यहाँ पर स्क्वायर था, इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, हमको ये प्रूव करने बोल रहा है। देखिए अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें एल एच एस और आर एच एस था, इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा एक्सेप्शन क्या है, इसमें एल एच एस तो है आर एच एस भी है लेकिन साथ ही साथ इसमें एम एच भी है, मिडिल हैंड साइड मतलब बीच वाला। तो हमको करना क्या है, एल एच एस से चलना है आर एच एस प्रूव करना है, मिडिल हैंड से चलना है आर एच एस को प्रूव करना है, मतलब हम इसमें एल एच एस से भी चलेंगे और मिडिल हैंड से भी चलेंगे। बस समझ में आ रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया मिडिल हैंड साइड एम एच एस। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग चलते हैं एल एच एस से, देखिए एल एच एस से चलेंगे और ये टेन स्क्वायर तक पहुंचेंगे। देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिए इसको क्या है, आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करने का जरूरी नहीं है, क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि आपको जो आर चीज पूछा है वो ऑलरेडी टेन में ही है, तो इसी को डायरेक्टली सॉल्व कीजिए आपका बन जाएगा काम। ठीक है, देखिए करते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर ए। अब बोलिएगा ये कहां से लिखे, तो फॉर्मूला हमने लिखाया था, क्या था फॉर्मूला, कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। आप बेसिक वाले वीडियो में जाके फॉर्मूला को देख सकते हैं, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां पर चेंज करने की जरूरत पड़ेगा आपको, देखिए सेक को लिख सकते हैं वन बाय कॉस, चूंकि इस पे स्क्वायर है तो कॉस पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा डिवाइडेड बाय, कॉसेक को भी लिख सकते हैं वन बाय साइन, चूंकि इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब देखिए ये वाला वही बात हो गया, मेन डिवाइड वाला जब पलटता है तो नीचे वाला क्या होता है, पलट जाता है। यहां पर देखिए यहां पर वन बाय कॉस स्क्वायर पहले से था, और ये जब मेन डिवाइड को हम गुना में करेंगे तो ये पलट जाएगा, क्या होगा साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा वन नीचे आ जाएगा, तो यहां देखिए वन वन कट जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए
हमारा प्रूफ हो गया। बगल में लिख देंगे कि साइन थीटा बराबर बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा। समझ में आया? तो देखिए हमने क्या किया, आरएचएस को प्रूफ कर दिया। अब उसी प्रकार हम लोग एमएचएस से चलेंगे और आरएचएस को प्रूफ करेंगे। ठीक है, मिटाते हैं इसको। देखिए एमएचएस से चलते हैं हम लोग। एमएचएस मतलब मिडिल हैंड साइड। ठीक है, आपने नया नाम सुना होगा, दे दिया यहां पर। क्या कह रहा है, वन माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसको भी स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे भी वही है, पहले अलग अलग कर लीजिए। वन माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और नीचे में वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको भी दोनों स्क्वायर में कर लिए। हमने बताया था कि अगर ए बाय बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर को हम ऊपर नीचे अलग कर सकते हैं। तो वही कर दिया हमने। अब तोड़ते हैं, देखिए किस फॉर्मूला में टूटेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तोड़ते हैं। देखिए ऊपर के लिए ए को मान लेते हैं वन और बी को मान लेते हैं टेन ए। देखिए ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर, अब माइनस टू इंटू ए इंटू बी। ठीक है, मतलब टू इंटू वन इंटू टेन डिवाइडेड बाय, नीचे में वही टूटेगा, यहां पर ए का वैल्यू वन और बी का वैल्यू कॉट ए। तो देखिए वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर, अब माइनस टू इंटू वन इंटू कॉट ए, तोड़ दिए हम, टू ए बी, बी की जगह कॉट ए और ए की जगह वन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम इधर। देखिए यहां पर वन का स्क्वायर वन हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टू, टू इंटू वन इंटू टेन है तो क्या हो जाएगा टू टेन, डिवाइडेड बाय यहां पर देखिए वन का स्क्वायर वन प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस टू इंटू वन इंटू कॉट ए क्या हो जाएगा माइनस टू कॉट ए। ठीक है, अब यहां पर देखिए गौर से, वन प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, अब माइनस टू टेन रहने दीजिए डिवाइडेड बाय, अब वन प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर या माइनस में टू कॉट। यहां बात समझ में आया, फॉर्मूला था हमारा क्या था फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर वन। आप यहां से अगर चलिएगा टेन स्क्वायर को आप उधर ले जाते हैं तो प्लस में आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए, उसका वैल्यू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, तो देखिए उसके जगह हम सेक स्क्वायर ए लिख दिए। अब देखिए यहां पर वन प्लस कॉट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूला था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन। इस फॉर्मूला से हम ये लाए, कॉट स्क्वायर को उधर ले जाइएगा तो वन प्लस कॉट स्क्वायर होगा तो ये कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा आपको, इसके जगह हम लिख। देखिए हम इधर मिटाते हैं, देखिए इसके बाद हम इधर करते हैं, यहां से देखिए अब इसको क्या करते हैं साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए सेक को हम लिख सकते हैं क्या वन बाय कॉस, क्योंकि सेक पे स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, माइनस टू इंटू टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, तो साइन ए बाय कॉस लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए को क्या लिख सकते हैं वन बाय साइन, तो वन बाय साइन स्क्वायर ए चूंकि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर चढ़ा दिए, माइनस टू इंटू कॉट ए, तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं, तो कॉस ए बाय साइन ए लिख दिए, कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो जो जो हमने चेंज किया यहां पर मेरे पास जगह हम लिख देते हैं, क्या क्या चेंज किया हमने, हमने चेंज किया सेक ए का फॉर्मूला वन बाय कॉस ए और कॉसेक ए का फॉर्मूला वन बाय साइन ए, यही हमने चेंज किया, लिख दिया। ठीक है, आप बगल में लिख दीजिएगा। अब देखिए यहां पर एलसीएम लेते हैं, ऊपर का अपना नीचे का अपना। देखिए ऊपर में एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का एलसीएम कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए आएगा। जैसे देखिए आप, जैसे नीचे में चार रहता था और यहाँ मान लीजिए टू है, तो अब चार और दो का एलसीएम क्या लाते थे, चार लाते थे, यहाँ पर देखिए चार का मतलब क्या दो का स्क्वायर, तो कौन सा ही एलसीएम आता था ना, यहाँ पर भी देखिए कॉस स्क्वायर ए और यहाँ कॉस ए, तो एलसीएम कौन सा आएगा कॉस स्क्वायर वाला आएगा क्योंकि वो बड़ा है।
तो चलिए देखिए, ले आए अब कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वन, और वन को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो वन माइनस, यहाँ टू तो है फुली लिखा जाएगा। देखिए कॉस 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 स्क्वायर को कॉस से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस से बचेगा और एक कॉस से, और ये साइन ए गुना होगा तो क्या होगा साइन ए इंटू कॉस से। यहाँ बात समझ में आया क्या किया, वही एलसीएम प्रोसेस। नीचे में भी देखिए एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए और साइन ए का एलसीएम क्या आएगा, वही साइन स्क्वायर ए आएगा। चलिए साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो वन, और वन को वन से गुना करेंगे तो वन माइनस, साइन को साइन स्क्वायर डिवाइड करेंगे क्या आएगा साइन ए आएगा, और ऊपर में टू कॉस है तो ये भी क्या हो जाएगा टू साइन ए टू कॉस हो जाएगा, गुना कर दिए। अब देखिए गौर से, ऊपर वाला का ऊपर वाला और नीचे वाला का ऊपर वाला दोनों सेम लग रहा है तो काट सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा टर्म, अब ये पूरा टर्म क्या होगा कट जाएगा, कितने टाइम में वन टाइम में, तो हमारा फाइनली क्या बचेगा देखिए हम यहाँ लिखते हैं, ऊपर में बचेगा वन बाय कॉस स्क्वायर ए और नीचे में बचेगा वन बाय साइन स्क्वायर ए। फिर से अगर हम इसको पलटते हैं, यहाँ पर देखिए पलटेंगे तो क्या होगा वन बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू में जब होगा तो ये पलट जाएगा, क्या होगा साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा वन नीचे आ जाएगा। ठीक है पलट दिए, यहां से देखिए वन वन कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर आरएचएस, ये भी हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 होता है खत्म। ठीक है ऐसे, तो दोस्तों यहां पर हमारा एक्सरसाइज 8.4 खत्म होता है। इसमें इंपॉर्टेंट हमने बता दिया था कि इसी 5 क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन हमने दो पार्ट में कराया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है इसी 10 क्वेश्चन में मैक्सिमम चांसेस रहता है एग्जाम में आने का। ठीक है इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर 8 भी खत्म होता है। इस चैप्टर 8 से दोस्तों आपको किसी भी एक्सरसाइज से किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो तैयार करके दे दूंगा। ठीक है घबराने वाली बात नहीं है, बेहिचक आप क्वेश्चन को डाल सकते हैं, मैं उसके लिए आपको सोल्यूशन तैयार कर दूंगा। ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके, जिसका नाम है लेसन 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कुछ कुछ, अब क्लास 10 में भी हम लोग करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है तब तक हमारे वीडियोस देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद।